हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन अहमदाबाद गुजरात से, एंड वेल्कम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम रिस्ट फ्रैक्चर यानी कि कांधे के फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। काफ़ी मरीज हमको पूछते हैं कि मुझे रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है और मुझे आगे क्या करना चाहिए, प्लास्टर लगवाना चाहिए या फिर ऑपरेशन करना चाहिए। तो हमारे रिस्ट काफ़ी सारे जॉइंट से बनता है, जिसमें जो दो बड़ी होती हड्डी होती है उसको रेडियस एंड अल्ना कहा जाती है, और आगे आठ कार्पल बोन्स होते हैं। ये कार्पल बोन्स काफ़ी छोटे छोटे बोन्स होते हैं और उसके फ्रैक्चर काफ़ी रेयर है। जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर है उसको कोलिस फ्रैक्चर कहा जाता है। कोलिस फ्रैक्चर रेडियस बोन में होता है, जो कि यहाँ पे होता है। तो कोलिस फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है और आज की वीडियो में हम कोलिस फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फ्रैक्चर है उसके काफ़ी प्रकार होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफाई करके दूंगा कि अगर ये फ्रैक्चर होता है तो क्या करना चाहिए। तो ये इस फ्रैक्चर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, दूसरी कैटेगरी है माइल्ड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, और तीसरी कैटेगरी है फुल्ली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। यानी कि पहली कैटेगरी जो है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, मतलब उसमें फ्रैक्चर हुआ है, क्रैक हुई है, लेकिन हड्डी अपनी पोजिशन पे ही है, खिसी नहीं है, अपने प्लेस पे ही है, ताकि उसको अनडिस्प्लेस कहा जाता है। वो अपनी पोजिशन यानी अपनी प्लेस से खिसकी हुई नहीं है। दूसरी जो कैटेगरी है जिसको माइल्ड डिस्प्लेस कहा जाता है, मतलब हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है और अपनी पोजिशन से माइल्ड यानी कि बहुत ही थोड़ी खिसकी हुई है, बहुत ज्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और तीसरी कैटेगरी है जिसको फुल्ली डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, यानी कि फ्रैक्चर के साथ साथ हड्डी अपनी पोजीशन से पूरी तरह से चेंज हो गई है, खिसक गई है। तो उसमें जो पहली कैटेगरी है जिसको अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर कहा जाता है, जो कि एक्सरे में ऐसे दिखता है, वहां पे फ्रैक्चर तो है लेकिन वो अपनी पोजीशन पे ही है, तो ऐसे केस में हम 4 से लेकर 6 हफ्ते तक प्लास्टर देते हैं। प्लास्टर में हाथ रखने पर हड्डी अपनी पोजिशन में रहती है, खिसकती नहीं है, धीरे धीरे जुड़ने लगती है। ऐसे केस में हम हर 15 दिन पे एक्सरे करवा के कन्फर्म करते हैं कि हड्डी कितनी जुड़ी है या खिसकी नहीं है। ज़्यादातर केस में अगर डे 1 पे हड्डी खिसकी नहीं है तो आगे खिसने का भी चांसेस कम रहता है। और इसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, 4 से 6 हफ्ते प्लास्टर रखने के बाद उसको निकलवा दिया जाता है और उसके बाद हाथ की थोड़ी कसरत करके हाथ को फ्री किया जाता है। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें माइल्ड डिस्प्लेस फ्रैक्चर, तो जो माइल्ड डिस्प्लेस फ्रैक्चर है उसमें अगर मरीज की उम्र 50 या 55 से ज़्यादा है तो उसमें भी हड्डी को हम हल्का सा बिठा के प्लास्टर लगा देते हैं 4 से 6 हफ्ते के लिए। ऐसे केस में शुरुआत में सूजन बहुत ज़्यादा होती है और प्लास्टर लगाना एडवाइजेबल नहीं रहता है, तो पहले हम कच्चा प्लास्टर लगाते हैं और 1 हफ्ते बाद कच्चा प्लास्टर निकाल के अगर सूजन कम हो गई है तो पक्का प्लास्टर लगा देते हैं और उसी टाइम पे एक्सरे करके कंफर्म कर देते हैं कि हड्डी अपनी पोजिशन में बैठी है कि नहीं बैठी है। लेकिन माइल्ड डिस्प्लेस फ्रैक्चर अगर यंग एज में है, 25 साल में 35 साल में या फिर 50 से कम उम्र में, तो ऐसे केस में हड्डी को पूरा बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे केस में मरीज को हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाके हाथ को सून करके इंजेक्शन देकर, जिसको हम हिमेटोमा ब्लॉक कहते हैं, उसमें एक लोकल एनेस्थेसिया के इंजेक्शन फ्रैक्चर के साइड पे देके उसको सून किया जाता है, और स्पेशल एक्सरे मशीन जिसको हम IITV या फिर C-arm कहते हैं, उसमें देख के हड्डी को प्रॉपरली पोजिशन में बिठा के 100% हड्डी बैठ जाने के बाद उसमें फिर हम प्लास्टर लगा देते हैं। उसमें भी अगर सूजन ज़्यादा है तो पहले हम कच्चा प्लास्टर लगाते हैं और 1 हफ्ते बाद पक्का प्लास्टर लगा देते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर 1 हफ्ते पे उसका एक चेक एक्सरे करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हाथ की सूजन कम हो जाने पे प्लास्टर में हाथ ढीला पड़ जाता है और फ्रैक्चर खिसक जाता है। तो स्पेशली यंग लोगों में माइल्ड डिस्प्लेस फ्रैक्चर में जब हम प्लास्टर लगाते हैं तो हर 1 हफ्ते में एक्सरे करके कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि हड्डी अपनी पोजीशन में बैठी हुई है और किसकी नहीं है। तो हमारे सेंटर पे हम लोकल एनेस्थेसिया में हड्डी बिठा के प्लास्टर लगा के फिर हर 1 हफ्ते चेक करते हैं कि हड्डी बैठी हुई है कि नहीं, और 4 से 6 हफ्ते के लिए ये प्लास्टर रख के फिर उसको निकाल देते हैं एक बार हड्डी जुड़ जाए। और जो लास्ट कैटेगरी है जिसमें फुल्ली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें हम मरीज की उम्र क्या है, मरीज की हड्डी कितनी स्ट्रांग है, उसका फ्रैक्चर में कितने पीसीस है, उसकी वर्क डिमांड क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनको और कोई बीमारी जैसे हार्ट डायबिटीज वगैरह बीमारी है कि नहीं, वो भी हम कंसिडर करते हैं। तो अगर मरीज की उम्र बहुत ज़्यादा है, 75, 80 या फिर 85 साल से भी ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे केस में उसमें भी हम प्लास्टर लगा सकते हैं। उसमें हम मरीज को समझाते हैं कि हड्डी
टेढ़ी जुड़ेगी, लेकिन काफी बार उस उम्र के मरीज की एक्सपेक्टेशन काफी कम होती है उनकी, उनको और कोई बीमारी भी होती है, हार्ट की बीमारी होती है और हड्डी काफी कमजोर होती है, और ऐसे केस में हम कभी बार ऑपरेशन नहीं भी कर पाते तो प्लास्टर हम लगा देते हैं। अगर मरीज की उम्र 50 से 70 साल के बीच में है, जिनको खुद की एक्टिविटी करने की इच्छा है, रसोई काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, हल्का फुल्की वजन वाला काम करना है, गाड़ी चलाना है, स्कूटर चलाना है, तो ऐसे केस में अगर फुल्ली डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो फिर ऑपरेशन करना आवश्यक रहता है। तो ऐसे केस में हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? ज़्यादातर केस में हम ये जो ऑपरेशन करते हैं उसमें पतले से तार होते हैं वो सब क्यूटेनियस यानी चमड़ी के थ्रू फ्रैक्चर को बिठा के हड्डी में डालते हैं, जिसको के वायरिंग कहते हैं। जैसे आप पीछे एक्सरे में देख सकते हो, पहले हड्डी खिसकी हुई थी, फिर हड्डी को बिठा के उसमें के वायरिंग करके हड्डी को अपनी पोजीशन में रखा जाता है। ज़्यादातर केस में 3 से 4 के वायर इंसर्ट किए जाते हैं, और एक बार हड्डी पूरी तरह से जुड़ जाए, जिसके लिए 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, फिर वापस से ही के वायर निकाल दिया जाता है। के वायर निकालने के लिए कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पहला ऑपरेशन होता है हड्डी बिठा के वायरिंग करना, उसके लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम ही लगता है, और उसमें मरीज को ज़्यादा लंबे टाइम तक हॉस्पिटल रहने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें कोई बेड रेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होती, मरीज सेम डे से चल के हॉस्पिटल से वापस घर जा सकते हैं। कभी कभार हड्डी इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है, उसमें कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन D3 की कमी होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में ये जो के वायर हम डालते हैं उस हड्डी में अच्छी तरह से वो बैठते नहीं है और उसको निकल जाने का डर रहता है। तो ऐसे केस में के वायर के साथ साथ हम बाहर से भी रॉड्स डालते हैं, इसको हम एक्सटर्नल फिक्सेशन कहते हैं। तो के वायर के साथ साथ कभी कभार एक्सटर्नल फिक्सेटर की भी जरूरत पड़ती है, स्पेशली अगर उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो। अगर ये सीवियर डिस्प्लेस फ्रैक्चर यंग लोगों में है, या 35 उम्र, 25 उम्र, या फिर कोई भी उम्र जो 50 से कम है, उन लोगों में ज़्यादा वर्क की डिमांड रहती है, वजन उठाना रहता है, मजदूरी काम रहता है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तो ऐसे केस में हड्डी को 100% पूरी अपनी जगह पर बिठाना आवश्यक रहता है। तो ऐसे केस में हम जो ऑपरेशन प्रीफर करते हैं उसको प्लेटिंग कहते हैं, उसमें प्लेट और स्क्रू डाला जाता है, या फिर उसको ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन भी मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है। ओपन रिडक्शन यानी फ्रैक्चर को ओपन करके उसको बिठा के यानी कि रिड्यूस करके, और फिर अंदर से ही फिक्स किया जाता है, अंदर प्लेट डाल के ही फिक्स किया जाता है, इसलिए उसको ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म उसका है ओरिफ। तो ऐसे केस में इसमें चमड़ी में चीरा लगा के फिर फ्रैक्चर के पीसीस को वापस अपनी जगह पर बिठा के और उसको प्लेट और स्क्रू से फिक्स किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है? एक बार सभी हड्डी अपनी पोजीशन में बैठ गई, प्लेट और स्क्रू से उसको बिठा दिया, फिर वो अपनी जगह से वापस खिसकता नहीं है, वो अपनी पोजीशन में ही रहता है, और उसमें ज़्यादा लंबे समय तक प्लास्टर की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हड्डी को पूरी तरह से प्लेट और स्क्रू के साथ फिक्स किया जाता है, तो इमीडिएट मूवमेंट भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें रिकवरी काफ़ी फास्ट है। ये जो तीनों कैटेगरी के फ्रैक्चर की हमने बात की, उसमें ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद रिस्ट की स्टिफनेस काफ़ी कॉमन है। रिस्ट में स्टिफनेस आना, ये रोटेशन वाली मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट, लिखने वाली मूवमेंट में काफ़ी स्टिफनेस महसूस होती है, काफ़ी कबार सूजन भी रहती है। काफ़ी बार हमने देखा है कि हाथ की उंगलियों में जनजनाहट रहती है, सुनापन रहता है, हाथ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहती है। तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद यानी कि फ्रैक्चर के 1 या 1.5 महीने के बाद इमीडिएटली फिजियोथेरेपी स्टार्ट करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। हाथ की मूवमेंट करना, रिस्ट की मूवमेंट करना, रोटेशन करना, ये सब रेगुलरली और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको करना चाहिए, और फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से ही आप मूवमेंट जल्दी गेन कर सकते हो। तो मित्रों, ये वीडियो पे हमने 3 कैटेगरी के फ्रैक्चर की बात की। इसके अलावा भी कोई काफ़ी सारे रिस्ट में फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, या फिर हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसमें आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।